मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के लिए समर्पित 100 दिन पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 वर्षों बाद प्रचंड बहुमत के साथ फिर से सरकार बनने के बाद सफलतापूर्वक 100 दिन के कार्यकाल का संचालन किया। हमने जो कहा सो किया, यह प्रदेश में अलग अलग सेक्टर के लिए की गई कार्ययोजना का एक छोटा सा उदाहरण है। यह सरकार की दिशा को स्पष्ट कर देगी कि अगले 5 वर्ष में सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। यह बातें उन्होंने लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। इस दौरान सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक पुस्तक का विमोचन किया गया और वीडियो भी दिखाया गया। इस दौरान उन्होंने गरीब कल्याण, किसान कल्याण, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, अवस्थापना, निवेश, रोजगार और स्वरोजगार, विद्युत ग्राम विकास, जल जीवन मिशन एवं ग्रामीण जलापूर्ति और वन एवं पर्यावरण सहित अन्य विभिन्न मुद्दों पर बेबाकी से बात रखी। इस दौरान उन्होंने सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम की उपलब्धियों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि दूसरा कार्यकाल हमें जनता ने दिया है, इसमें हम एक नई उड़ान के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की बनाने का देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी सरकार ने 10 सेक्टर चुनकर व्यवस्थित कार्य योजना बनाकर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुँचाने की ओर आगे बढ़े हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हमने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है, इसमें 100 दिन के लक्ष्य जो तय किए गए थे, उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल आदि मौजूद थे। सीएम योगी ने विपक्ष का बिना नाम लिए हमला किया कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश 2017 के पहले परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचारवाद, दंगों और अराजकता के लिए जाना जाता था। उत्तर प्रदेश में अजीब सी स्थिति थी। पहचान का संकट उत्तर प्रदेश के सामने 2017 के पहले था। केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की राज्य सरकार की इच्छा शक्ति नहीं दिखती थी, लेकिन हमने 5 साल में कानून व्यवस्था को बेहतर किया। कानून का राज्य स्थापित हो, इस दिशा में जो प्रयास किए, देश के अंदर विश्वास के रूप में बदला। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन के बारे में आम जनमानस के मन में विश्वास पैदा हुआ। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली। सीएम योगी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी है। यह महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त, अराजकता से मुक्त कराते हुए प्रधानमंत्री जी के विजन अनुरूप विकास के पथ की ओर अग्रसर होते हुए सुशासन की ओर ले जाएगी। जो जनता का जनादेश प्राप्त हुआ था, उस जनादेश के प्रति जनप्रतिनिधियों की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। मैं इसके लिए वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को हृदय से बधाई देता हूं। और आज लगभग प्रदेश के अंदर 68,700 से अधिक अतिक्रमण स्थल, जो सड़कों पर अतिक्रमण बनाए गए थे, आवागमन को बाधित करके किए जाते थे, उनको हटाया गया। 76,000 से अधिक अवैध पार्किंग स्थल भी मुक्त किए गए और वहां पर अब वाहनों की पार्किंग की सुविधा प्रदेशवासियों को प्राप्त हो रही है। और ये पहली बार हुआ कि धर्मस्थलों से माइक हट जाए और अनावश्यक शोरगुल से लोगों को मुक्ति मिले। 1,20,000 से अधिक ऐसे माइक थे जो या तो हटाए गए या फिर उनके वैल्यूम को कम किया गया, और ये बिना किसी हो हल्ला के, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ। ये जन विश्वास का ही प्रतीक है कि समाज के प्रत्येक तबके ने सरकार के इस कार्य का पूरा समर्थन किया और सरकार को अपना पूरा सहयोग देने के साथ साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग भी लिया। प्रदेश सरकार के ही इन कार्यक्रमों के आगे बढ़ाने का परिणाम है कि आज सड़कों पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, कोई भी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं जिसमें, चाहे वह अलविदा की नमाज सड़कों पर नहीं होंगे बल्कि जहां धर्मस्थल में तय है वहीं होगी। ईद के कार्यक्रम
रामनवमी के कार्यक्रम, अन्य कोई भी कार्यक्रम कहीं भी किसी सड़क पर प्रदर्शन के माध्यम नहीं बने, बड़ी शालीनता के साथ शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और प्रदेश ने इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम किया। मित्रों, ये जो कार्यक्रम है जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने के लिए एक टीम वर्क प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, इस टीम वर्क ने अपने पिछले कार्यकाल में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की थी और आज उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अगले 5 वर्ष की जो कार्य योजना तैयार की है इसमें 100 दिन के जो लक्ष्य तय किए गए थे उन लक्ष्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य भी वर्तमान में हम लोग कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की प्रगति और समृद्धि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्य योजना तैयार की इस दौरान हम लोगों ने तकनीक का भी बेहतर इस्तेमाल किया। पहली बार हुआ जब प्रदेश के अंदर पेंशन प्राप्त करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ई पेंशन की सुविधा लागू हुई। अब किसी रिटायर्ड कर्मचारी को अपने पेंशन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश जिसने इस कार्यक्रम को इन 100 दिनों के अंदर संपन्न करके प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम के माध्यम से कार्मिकों की समस्या के समाधान का एक रास्ता निकाला। ई विधान लागू किया गया, विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न सत्र ई विधान के साथ संपन्न हुआ है और यही नहीं आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का दोनों सदनों को मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। ये 100 दिन के अंदर ही ये सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं। 100 दिन के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके सानिध्य में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक अपना समय दिया और इसी राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम हमारा संपन्न हुआ। यही नहीं, इन 100 दिनों में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यानी ये जो 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं लगभग 1400 से अधिक परियोजनाएं इसके अंदर कवर हो रही हैं और प्रदेश ने पहली बार उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर स्थापित करने का एक हब बन रहा है। हम लोगों ने प्रदेश सरकार ने इसकी अपनी एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति भी प्रदेश के अंदर लागू की और इसमें प्रदेश को 4 नए डाटा सेंटर स्थापित करने, आज डिजिटल इंडिया के युग में डाटा के अपने महत्व हैं और उस महत्व को ध्यान में रखकर के 4 नए डाटा सेंटर जिनकी लागत 15,950 करोड़ रुपए से अधिक की है और जिनमें लगभग 4,000 से अधिक नौजवानों को डायरेक्ट रोजगार मिलने की संभावना है, यह भी हम लोगों ने इस दौरान इसे पूरा किया।